kids? Hi sir. देखो, कमला बाईज स्टोरी। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउज। ठीक है, देखो जो किसान होते हैं ना, किसान को हेल्प करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, मतलब जो हमारे राज्य की जो सरकार होती है, वो किसानों को क्या देती है? गायें देती है। ठीक है, कमला बाई गुद्धे ऑल्सो गॉट अ काउ। कमला बाई को लेडी है जो फार्मर है, उसको भी क्या मिली? एक गाय मिली। द कॉस्ट ऑफ द काउ वाज 17,500। एक गाय की जो कॉस्ट थी, मतलब जो रेट था, वो कितना था? 17,500 रुपए। सी हैड टू पे रुपीज 5,500 एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। अब वो बोल रहे हैं कि एक गाय की जो कॉस्ट थी वो कितनी है? 17,500। और उसको कितने देने हैं उसमें से? 5,500। और बाकी के जो पैसे हैं वो कौन देगा? सरकार देगी। ठीक है, एक गाय की जो कॉस्ट है वो तो ये है, और जो उसको देने हैं वो ये हैं, और बाकी की जो कॉस्ट है वो कौन पे करेगा? सरकार देगी। ठीक है, लोन के रूप में। हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड द काउ? अब वो बोल रहे हैं कि जो सरकार जो इसमें से पैसे देगी, कितने देगी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? माइनस किसमें से? किसको? इसमें से इसको। 17,500 में से हम किसको घटा देंगे? 5,500। तो कितना आएगा ये? 0, 0, 0। 7 में से 5 क्या? 2 और 1। कितना हो गया? 12,000। ठीक है, तो 12,000 कौन खर्चा करेगा इस काउ पे? सरकार। अब देखो, इफ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउज, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल? ध्यान से सोच के बताना, ठीक है, कि अब तुमको करना क्या है। वो बोल रहे हैं कि अगर उस गांव के 9 लोग इस काउ को खरीदते हैं, ठीक है, अभी तो सिर्फ किसने खरीदी? कमलाबाई ने। अब वो बोल रहे हैं कि 9 लोग अगर और खरीदते हैं तो सरकार को इस पे कितना खर्च करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? गुना। किसको? किससे? 9 को 12,000 से। ठीक है, तो 12,000 को हम किससे गुणा कर देंगे? 9 से, क्योंकि 9 लोगों को खरीदनी है, और सरकार कितने खर्चा कर रही है उस पे? 12,000। और बाकी के पैसे किसने देने? लोगों ने अपने आप देने। अब देखो, बट कमलाबाई वॉज नॉट हैप्पी। कमलाबाई फिर भी बहुत खुश नहीं थी, मतलब सरकार 12,000 रुपए दे रही है, तब भी कमलाबाई क्या थी? खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? अब देखते हैं क्यों। सी हैड टू स्पेंड रुपीज 85 एवरी डे ऑन द काउ। अब वो बोल रहे हैं कि जो कमलाबाई थी, उसको एक गाय पे लगभग एक दिन में 85 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते होंगे खर्च उस पे? हाँ, उसके खाने पे। वेरी गुड। सी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, बट स्टिल सी वॉन्टेड टू सेल द काउ। वो बोल रहे हैं कि उससे जो गाय से जो दूध मिलता था, दूध को वो बेचती भी है, लेकिन तब भी वो उस गाय को क्या करना चाहती है? बेचना चाहती है। क्या कारण होंगे उसके, क्यों बेचना चाहती होगी वो? चलो देखते हैं आगे क्यों। इफ कमलाबाई स्पेंड्स रुपीज 85 अ डे, फाइंड आउट हाउ मच सी विल स्पेंड इन वन मंथ। अब वो बोल रहे हैं कि अगर कमलाबाई एक दिन में एक गाय पे 85 रुपए खर्च कर रही है, तो एक महीने में कितने खर्च करेगी? क्या करना पड़ेगा? 30 को 85 से गुणा, कितना आएगा ये? 0 का 0 हो गया, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25। तो इतने रुपए वो एक महीने में क्या कर रही है? खर्च कर रही है। अगर उस महीने में कितने दिन है? 30, क्योंकि हर महीने में 30 दिन तो नहीं होते, किसी में 31 भी होते हैं, किसी में 29 भी होते हैं, या 28 भी होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, हम फिलहाल 30 दिन के लिए करते हैं। द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच विल इट गिव इन वन मंथ। अब वो बोल रहे हैं कि एक गाय एक दिन में 8 लीटर मिल्क देती है। कितना देती है? 8 लीटर। तो वो एक महीने में कितना देगी? क्या करना पड़ेगा? गुणा 30 को 8 से, कितना हो जाएगा? 3 8 कितना? 240 लीटर एक महीने में। ठीक हो गया। अब देखो, इफ द मिल्क इज सोल्ड एट रुपीज 9 पर लीटर, हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन वन मंथ। अब वो बोल रहे हैं कि अगर वो जो दूध वो बेच रही है, वो एक लीटर कितने रुपए का है? 9 रुपए का। तो वो एक महीने में कुल कितने पैसे कमाएगी? किससे किसको गुणा करना पड़ेगा? 9 को 30 से। क्यों? 240 से। 240 से किसको? 9 को। तो 9 0 का 0, 9 चक्के 36, 3 कैरी, 9 2 18 और 3 21। तो कुल कितने रुपए कमाए उसने? 2160। ठीक है, या 2160 भी बोल सकते हैं। सो द मनी स्पेंड ऑन कीपिंग ऑन द काउ। अब वो बोल रहे हैं कि उस गाय को रखने में कितना खर्च आ रहा था? ये आ रहा है एक महीने का खर्चा, ये
2550। मनी अर्न्ड बाय सेलिंग द मिल्क, और जो उसने दूध कमा दूध बेच के जो पैसे कमाए वो कितने थे? 2160। विच इज मोर, अब इन दोनों में से ज्यादा क्या है? 2550। मतलब उसको गाय को रखने में ज्यादा खर्च हो रहा है और दूध बेच के पैसे मिल रहे हैं कम, तो इसका मतलब क्या हो रहा है उसको? घाटा की फायदा, घाटा हो रहा है। सिंपल से है कि घाटा हो रहा है उसको। विच इज मोर, मनी स्पेंट ऑन द काउ और मनी अर्न फ्रॉम इट, हाउ मच? एक्सप्लेन व्हाई सी वांटेड टू सेल द काउ। अब देखो वो बोल रहे हैं कि हाउ मच, कितना नुकसान हो रहा है उसको, क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमको? घटाना। वेरी गुड। 2550 में से हम किसको घटाएंगे? 2160। जीरो का जीरो, 15 में से 6 गया, 9। अब 4 में से 1 गया, 3। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है उसे? 390 रुपए का उसका नुकसान हो रहा है। एक्सप्लेन व्हाई सी वांट, अब बताओ कि वो गाय क्यों बेचना चाह रही होगी? घाटा हो रहा है तो इसलिए वो गाय को क्या करेगी? बेचेगी, अपने जेब से थोड़ा ना भरेगी। ठीक है ना, समझ आया? यस सर।